रांची रेंज के डीआईजी अनीश गुप्ता लोहरदगा में, गुमला, लातेहार और लोहरदगा के एसपी, सीआरपीएफ के पदाधिकारी सहित डीएसपी रैंक के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में पंचायत चुनाव, नक्सलवाद खत्म करने सहित ईद को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी अनीश गुप्ता ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर संयुक्त रूप से सुरक्षा की क्या स्थिति है उस पर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इंटर डिस्ट्रिक्ट में जांच अभियान चलाया गया है, साथ ही चुनाव को लेकर जो प्रभावित कर रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई है। आज यहाँ पे पुलिस अधीक्षक पे जो सीआरपीएफ के बटालियन के कमांडेंट्स हैं उनके साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संबंधित जो डीएसपी ऑपरेशंस हैं और एसडीपीओ हैं ये भी मौजूद थे। आगामी जो पंचायत चुनाव हैं उनके लिए सुरक्षा के क्या इंतज़ाम किए गए हैं और क्या इनकी तैयारियां हैं, उसे डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान बोला जाता है, उसके संबंध में जिलों के द्वारा अपना एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया है। उसके अलावा जो इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ चेकनाका लगाना है, जहाँ बॉर्डरिंग एरियाज हैं या जहाँ पे संयुक्त अभियान चलाने की आवश्यकता है, उस संबंध में भी चर्चा की गई है। इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं, चूँकि ईद का त्यौहार भी आने वाला है, उस संबंध में भी लोहरदगा और लातेहार की क्या तैयारी है गुमला की, उस संबंध में भी विचार विमर्श किया गया और इनको कई निर्देश दिए गए ताकि जो त्यौहार का समय है वो शांतिपूर्वक और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।